दोस्तों इतने बजे से खेला जाएगा भारत और श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला। देवदत्त पड़ीकल, चेतन साकरिया सहित चार युवा खिलाड़ियों की हुई एंट्री। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा, कौन से टीवी चैनल पर आप इस T20 मुकाबले को देख सकते हो, साथ ही में देवदत्त पड़ीकल, चेतन साकरिया सहित कौन से चार युवा खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि इस T20 सीरीज को टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। वहीं दोस्तों इसके नतीजे की बात की जाए तो भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज में श्रीलंका को कड़ी टक्कर देते हुए 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर दिया है। अब दोस्तों इन दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई को होने वाली है। जी हां दोस्तों 25 जुलाई को रविवार के दिन भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से होगी। वहीं दोस्तों T20 सीरीज के तीनों मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों इस T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि टीम इंडिया में खेल रहे पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज छोड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना होना है। जी हां दोस्तों बीसीसीआई ने इस पर ऑफिशियल रूप से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इंग्लैंड में मौजूद भारतीय टीम के कुछ अहम खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों के स्थान पर सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को भेजने की बात निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों T20 सीरीज में हमें पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव की कमी महसूस होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया था। हालांकि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली यह T20 सीरीज T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी सीरीज हो सकती है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम में इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। इसके अलावा हाल ही में शिखर धवन ने अपने इस बयान में कहा था कि दोस्तों इस T20 सीरीज में उन खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है जो कि T20 विश्व कप के लिए दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में हमें T20 सीरीज में भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी यह सीरीज काफी ज्यादा अहम हो सकती है, क्योंकि T20 विश्व कप बहुत ही जल्द अब शुरू होने वाला है और इन खिलाड़ियों को चयन को लेकर भी अभी भी संदेह जारी है। वहीं दोस्तों शिखर धवन के स्थान पर केएल राहुल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा भारतीय टीम में मौजूद दीपक चहर और राहुल चहर भी इस T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके टीम इंडिया में अपने स्थान को पुख्ता कर सकते हैं। वहीं लगातार खराब फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या को इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले T20 मैच में भारतीय टीम में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों ओपनर बल्लेबाज के रूप में नंबर 1 पर आप सभी को शिखर धवन खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि भारतीय टीम की एक बार फिर से कप्तानी संभालते हुए दिखने वाले हैं। इससे पहले श्रीलंका खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में शिखर धवन ने शानदार कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दिलाई थी। वहीं दोस्तों इसके अलावा शिखर धवन ने वनडे सीरीज में भारत की तरफ से सबसे अधिक 128 रन बनाए हैं और दोस्तों इसके अलावा IPL 2021 में शिखर धवन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। वहीं दोस्तों ऐसे में उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन करें। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर 2 पर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां दोस्तों वनडे सीरीज में लगातार पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे। वहीं दोस्तों अब T20 सीरीज में शिखर धवन के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ या फिर देवदत्त पड़ीकल के रूप में टीम इंडिया के पास 2 विकल्प मौजूद हैं। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों में से देवदत्त पड़ीकल का भारत की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इन्होंने हाल ही में IPL 2021 में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था, तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, शिखर धवन के साथ कौन से ओपनर खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए, उसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद होंगे। श्रीलंका खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में ही बेहतरीन
तीन अर्धशतक जड़ा था और अपने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था। वहीं दोस्तों इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में भी ईशान किशन ने ताबड़तोड़ रन बरसाए थे और दोस्तों ऐसे में ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे मौजूद होंगे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में मनीष पांडे ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी टी20 सीरीज हो सकती है। ऐसे में मनीष पांडे को टी20 सीरीज में भी प्लेइंग 11 में मौका मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। हाल ही में आईपीएल 2021 में मनीष पांडे ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था। इसके बाद नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मौजूद होंगे। जी हां दोस्तों, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों की अहम पारी खेली थी। वहीं दोस्तों इससे पहले आईपीएल 2021 में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक तूफानी शतक भी जड़ा था। ऐसे में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहां पर पहले टी20 मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिले। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मौजूद होंगे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या फ्लॉप साबित हुए थे। जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बनाए हैं, तो वहीं पर गेंदबाजी में 3 मैचों में मात्र 2 विकेट हासिल किए हैं। वहीं इससे पहले आईपीएल 2021 में हार्दिक पांड्या खराब फॉर्म में नजर आए थे। मैं उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर कुणाल पांड्या मौजूद होंगे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में 2 मैचों में कुणाल पांड्या ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था, जहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ही इनका कमाल देखने को मिला था। वहीं श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज में भी कुणाल पांड्या धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल मौजूद होंगे। लगातार खराब फॉर्म में चल रहे युजवेंद्र चहल ने अभी फिलहाल में खेले गए वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हां दोस्तों, जिन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट हासिल किए थे, अब दोस्तों यहां पर टी20 सीरीज में भी यहां पर युजवेंद्र चहल शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के परखच्चे उड़ा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नंबर 9 पर टीम इंडिया में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर राहुल चहर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने आप सभी को बता दी कि श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा धमाल मचाया था और सभी को प्रभावित भी किया था। दोस्तों मात्र 1 मैच खेलकर 3 विकेट हासिल किए थे। वहीं दोस्तों इससे पहले आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस की तरफ से राहुल चहर ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर मौजूद होंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय फैंस को दीपक चाहर के प्रदर्शन से वाकिफ कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दीपक चहर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 2 वनडे मैचों में 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं इस सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 रनों की पारी खेली थी। अब तो टीम इंडिया को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उम्मीद करते हैं कि टी20 सीरीज में दीपक चहर शानदार प्रदर्शन करे। इसी के साथ दोस्तों नंबर 11 पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार मौजूद होंगे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भुवनेश्वर कुमार अपने गेंदबाजी से फ्लॉप साबित हुए थे। इस सीरीज में 2 मैचों में भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट हासिल किए थे, लेकिन टी20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इस टी20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार अच्छा प्रदर्शन करे। दोस्तों कुछ इस तरह से यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है, जहां पर बड़े बदलाव के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतर सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस टी20 सीरीज को जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।